हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस के बारे में जानेंगे। एलईडीज को कैसे कनेक्ट किया जाता है और रजिस्टर का क्या रोल है, और ऑर्डिनो बेस्ट कोड कैसे लिखा जाए, ऑर्डिनो आईडी में कोडिंग कैसे की जाए, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो ये हमने बेसिक ऑर्डिनो उनो के बारे में जाना। हमारे पास ये डिजिटल पिंस हैं और एनालॉग पिंस हैं। डिजिटल पिंस हमारे पास 0 से लेके 13 तक हैं, जिसमें 0 और 1 हमारे पास TX और RX है। हम लोग TX RX को नहीं यूज़ करेंगे। तो 13 नंबर पिन पे हमारे पास एक LED कनेक्टेड है, जिसको हम और डिटेल में इस बार देखेंगे। एक LED लाइट एमिटिंग डायोड है, जो कि हमारे पास 2 से 3 वोल्ट के बीच में 20 मिली एम्प के ऊपर 30 मिली एम्प करंट में काम करते हैं। तो इसका सिंबल आपके सामने नज़र आ रहा है, एंड इसका हमारे पास ये जो सिम्बॉलिक रेड कलर की LED नज़र आ रही है, इसमें हम लोग नॉर्मली इसको सर्किट डायग्राम में जो पॉजिटिव साइड है उसको लंबी लेग और छोटी लेग नेगेटिव साइड के साथ देते हैं। अगर एक LED को हम लोगों को एक सर्किट में डालना है, तो नॉर्मली हमारे पास जो पोर्ट की पिन है, ऑर्डिनो उनो के पोर्ट की पिन है, वो 40 मिली एम के आसपास हमारे पास करंट ड्रॉ कर, उसके अंदर 40 मिली एम करंट होता है। तो वो करंट हमारी LED को डैमेज कर सकता है, ख़राब कर सकता है। तो हमें उस करंट को कम करना है, उसके लिए एक रेजिस्टेंस लगाना है, जो नीचे एक छोटा सा टिपिकल सर्किट बनाया हुआ है। कभी भी LED को कनेक्ट करेंगे तो एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम्स लॉ के थ्रू हम लोग जान सकते हैं, और थंब रूल सिंपल ये है कि आप 1 किलो ओम, मतलब 1 किलो ओम से 1000 ओम से नीचे कोई भी रेजिस्टेंस लगा लीजिए, 330 ओम का रेजिस्टेंस लगा लीजिए, वो हमारे पास ठीक रहेगा। दैट उस रेजिस्टेंस को हम लोग करंट लिमिटिंग रेजिस्टर कहते हैं। हमारे पास ये सर्किट कुछ हमारे पास ये सामने स्क्रीन पे लगे हुए सर्किट की तरह नज़र आएगा। अब हम चाहते हैं कि हमारी LED जो है, 13 नंबर LED पे जो हमारा आउटपुट प्रोग्राम चल रहा है, हम उस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करें, उस प्रोग्राम के साथ हम लोग हार्डवेयर चेंज करें। हम एक एक्सटर्नल LED लगाना चाहते हैं, तो हमने कोई भी सोल्डरिंग नहीं की, एक LED के साथ हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस को लपेट दिया, और ये रेजिस्टेंस 330 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हम इसको ये नीचे जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसके माध्यम से हम देखें कि ग्राउंड पे हम लोगों ने ग्राउंड नेगेटिव और LED के पॉजिटिव टर्मिनल पे एक रेजिस्टेंस लगा के उसको 13 नंबर पे कनेक्ट किया, जो कि इस वीडियो में भी हम लोगों ने देखा। तो अभी इसमें हमने कोई भी सोल्डरिंग नहीं की, बगैर सोल्डरिंग के हम लोगों ने 13 नंबर पिन के साथ ही उस LED को कनेक्ट कर दिया। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा डिटेल में देखें। जो हमारे पास प्रोग्राम आ रहा है, हमारे पास सबसे पहले सेटअप है, जो कि एक ही बार चलेगा, और नीचे लूप है जो कंटिन्यूस, जब तक हमारा ये पावर ऑफ नहीं हो जाती, जब तक हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है आर्डुइनो में, किसी भी माइक्रोकंट्रोलर में रादर, तो ये लूप वाला हमारा मेथड है, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो सेटअप मेथड में हम लोग अपने आर्डुइनो उनो को ये बता रहे हैं कि 13 नंबर पिन पे आउटपुट, 13 नंबर पिन को आउटपुट ट्रीट किया जाए। मींस हमारा जो आर्डुइनो है या हमारा माइक्रोकंट्रोलर है, वो या तो इनपुट ले सकता है किसी पिन से, या आउटपुट दे सकता है, और हमारे पास डिजिटल इनपुट आउटपुट दोनों के लिए यूज होती हैं। तो हम यहाँ पे 13 नंबर पिन पे एक LED लगाना चाहते हैं, जो आर्डुइनो उनो ड्राइव करेगा, मीन आर्डुइनो उनो उस 13 नंबर पिन को हाई या लो करने वाला है, जो कि हमने नीचे लूप वाले मेथड में देखा। तो ये जो हमारे पास ऑरेंज कलर के हमारे पास जो मेथड्स हैं, ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने बनाए हैं, हमने चेंज नहीं किए हैं। इसमें हमारे पास मेथड का नाम जो है मल्टीपल वर्ड्स को मिला के बनाया गया है, और हर वर्ड का पहला करेक्टर बड़ा रखा गया है, इसे हम लोग कैमल केसिंग कहते हैं, रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए। सो 13 नंबर पिन को हमने आउटपुट मोड में सेट कर दिया। ये जो हमारा आउटपुट है, हाई या लो है, ये भी हमारे कीवर्ड्स हैं, ये हमारे पास सिस्टम ने डिफाइन किए हुए हैं। तो लूप मेथड के अंदर हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले LED को हम लोग 1 हाई पास करें, और उसके बाद थोड़ा सा डिले डाल दें, रोक लें। तो इस तरह से हमारे फंक्शन हो रहा है। आपने एक प्रोग्राम को, अपने प्रोग्राम ने, हमारे प्रोग्राम ने आर्डुइनो को बोला कि 13 नंबर पिन को हाई कर दो, मीन्स उस पर 1 रख दो, 5 वोल्ट डाल दो। उसके बाद हम लोगों ने 1000 मिली सेकेंड वेट किया। ये जो डिले मेथड है, ये मिली सेकेंड में काम करता है। तो हमने 1000 मिली सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड वेट करवाया, तो हमारे पास उतनी देर तक वो LED ऑन रही। उसके बाद हम लोगों ने LED को लो कर दिया, उसको जीरो कर दिया पिन को, 13 नंबर को, और फिर हमने 1000 मिली सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड वेट किया। ये जो काम है, ये बार बार अब चलता रहेगा, जब तक हमारे पास पावर आर्डुइनो उनो में है। सो इस प्रोग्राम को हम लोग अब एक बार अपने ID के थ्रू देख लेते हैं। हमारे पास आर्डुइनो ID है, ये आर्डुइनो आप लोगों ने खोला। आर्डुइनो को जैसे आप ओपन करते हैं, इसमें हमारे पास एग्जांपल्स में आप ब्लिंक में जाइए। सो ब्लिंक कोड हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इस ब्लिंक में सबसे पहले हमारे पास ऊपर टॉप में
ये हमारा कमेंट है जो कि ये हम हल्का सा डिसेबल्ड ग्रे सा एरिया नज़र आ रहा है, इस कमेंट को हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम बने हुए हैं। तो हमें ये बता रहा है कि 13 नंबर पिन पे डिजिटल इनपुट पे डिजिटल पिन है, 13 नंबर पिन को यूज़ किया जा रहा है। तो इस कोड का, इस हमारे कमेंट्स का कोई खास रोल नहीं है, हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। सिर्फ ये रीडेबिलिटी हमारे प्रोग्रामर को याद रखने के लिए कोड कर क्या रहा है उसके लिए दिया जाता है। सो हम लोगों ने ये मेन सेटअप देखा अभी जो हमने समझा, और अपने लूप में जाके ये आला हमारे पास हाई और लो वाला इसी प्रोग्राम को, अभी इसी हार्डवेयर को हम थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं थ्रू ब्रेडबोर्ड, क्योंकि हर बार तो हम लोग अपने पास सारी पिंस, सारी LEDs या सारे इंटरफेसिंग तो उस पर कर नहीं सकते। सो हम लोग अब ब्रेडबोर्ड यूज़ करेंगे। सो ब्रेडबोर्ड भी एक बहुत ही उमदा तरीका है अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए, जिसको 1971 में RJ पोर्तुगल ने बनाया था, और इसका US पेटेंट भी 1961 में फाइल किया गया था। तो अब देखिए हमारे पास ये जो बोर्ड है, इसमें जो कोने वाली जो पिंस हैं ये आपस में सब नीचे से कनेक्टेड हैं, जैसे नीले में नज़र आ रही हैं और लाल में नज़र आ रही हैं, इसे हम कहते हैं बस स्ट्रिप। और जो हमारे पास टर्मिनल स्ट्रिप हैं ये हॉरिजॉन्टली आपस में, ये वर्टिकली कनेक्टेड हैं, तो ये पाँच पाँच पिंस आपस में कनेक्टेड हैं। ये बड़ा बोर्ड भी हो सकता है, छोटा बोर्ड भी हो सकता है। अब इसमें हम कोई भी कंपोनेंट कनेक्ट करके किसी दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट करने के लिए ये जो नीचे जम्पर वायर्स हैं ये यूज़ कर लेते हैं, जम्पर वायर्स यूज़ की जाती हैं। और हमारे पास ये 400 पिन का, 800 पिन का अलग अलग तरह के ब्रेडबोर्ड, मीन्स ब्रेडबोर्ड बड़े और छोटे दोनों मिलते हैं। इनके ऊपर लेबल्ड भी होगा, लेबल नहीं भी होगा, कुछ निशान भी नहीं लगा होगा। तो ये नीचे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे कोने पे इमेज नज़र आ रही है, इसमें नीला और लाल रंग की एक लाइन लगी हुई है। तो हम इसको इंडिकेशन मान लेते हैं कि नीले रंग की लाइन जो है वो नेगेटिव है और लाल रंग की लाइन पॉजिटिव मान ली जाती है, जैसे भी आप इसको अपने कोडिंग में रखना चाहते हैं। तो देखा आपने, हमने वही सर्किट अब ब्रेडबोर्ड पे लगाया, प्रोग्राम से वही सेम है पहले वाला, हमारी कोडिंग सेम है, सिर्फ ब्रेडबोर्ड का इस्तेमाल है। देखिए आउटपुट हमारे पास सेम आ रहा है। अब इस ब्रेडबोर्ड की मदद से हम बहुत सारे कंपोनेंट आपस में बगैर सोल्डरिंग के जोड़ सकते हैं। हमारे पास ये इस वीडियो में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग के बारे में देखा, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, आर्डुइनो को थोड़ा इंटरनली देखा। अब आपको लग रहा होगा कि कितना आसान है ये आर्डुइनो को यूज़ करना और LED को ब्लिंक करना। आगे इसी सीरीज में और भी वीडियो देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नीचे दिया हुआ बेल बटन दबाइए। कुछ समझ ना आए तो कमेंट कीजिए। आर्डुइनो खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स यूज़ कीजिए, सोशल मीडिया लिंक्स को यूज़ कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बगैर प्रोग्रामिंग के ग्राफिकली कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है आर्डुइनो के साथ, ये बताएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।